नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब हम एचआरएम में डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वो है ईएम ब्रिज। ईएम ब्रिज एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही आपका डिजिटल सिग्नेचर काम करेगा एचआरएम में। दोस्तों ईएम ब्रिज किस तरीके से डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम ईएम ब्रिज डाउनलोड कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसका स्टेटस स्टॉप हो जाता है, वो रनिंग में नहीं रहता है, वो स्टॉप हो जाता है और स्टॉप होने के बाद जब हम उसको बार बार रिफ्रेश करते हैं तब भी वो रन नहीं होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उसे अनइंस्टॉल करना होता है और फिर से दोबारा से हमें उसे इंस्टॉल करना होता है, तब जाके वो आपका ईएम ब्रिज काम करता है। तो गाइज आज इस समस्या का मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। अब आपको कोई अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो स्टेप करने हैं उसके बाद आपका ईएम ब्रिज रन हो जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सभी को जरूर देखना चाहिए। कभी ना कभी आपको एचआरएम में डिजिटल सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपके सुपरवाइजर वगैरह को भी डिजिटल सिग्नेचर करना पड़े। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हाय गाइज मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरवाल टेक पर। तो गाइज आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ चैनल पर नए हो तो यार अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे ऐसे यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं कि आप ईएम ब्रिज को स्टॉप होने पर किस तरीके से रन करोगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ईएम ब्रिज होता क्या है। तो ईएम ब्रिज एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डीएससी को लिंक करता है एचआरएमएस के सिस्टम से और उसी के द्वारा आपका डीएससी वर्क करता है एचआरएमएस पे। अगर आपको एचआरएमएस में अपना डिजिटल सिग्नेचर करना है तो उसके लिए आपको ईएम ब्रिज सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च करिए ईएम ब्रिज, उसके बाद जो ई मुद्रा वाली साइट आती है वहां से आपको ईएम ब्रिज को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम डिजिटल सिग्नेचर करने जाते हैं एचआरएमएस में तो हमारा ईएम ब्रिज काम नहीं करता है, उसका स्टेटस स्टॉप रहता है। तो उस स्टॉप को आप किस तरीके से रन करोगे आइए देखते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए गाइस लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप ईएम ब्रिज को कैसे दो स्टेप में ही रन करा दोगे। तो गाइस आपको ईएम ब्रिज डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाना है, यहाँ पे ईएम ब्रिज डालना है, ये वाला ईएम ब्रिज डाउनलोड करिएगा, ये वाली साइट ओपन करिएगा और यहाँ से डाउनलोड पे जाइए और इस विंडो इंस्टॉलर पे आपको क्लिक करना है, आपका ईएम ब्रिज डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ईएम ब्रिज का आइकन कुछ इस तरीके से आएगा, इसे हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेटस स्टॉप पड़ी है, ये वाली इसकी जो सर्विस स्टेटस है वो स्टॉप है, ये आपकी सर्विस स्टेटस रनिंग रहनी चाहिए तब जाके आपका ईएम ब्रिज वर्क करता है। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे उसके बावजूद भी ये रन नहीं होगा, तो इसका फिलहाल क्या सोल्यूशन था कि आप इसको अनइंस्टॉल करते थे, दोबारा से इंस्टॉल करते थे, उसके बाद आपका ईएम ब्रिज रन हो जाता था। लेकिन अब इसे हमें अनइंस्टॉल नहीं करना है और इसको मात्र दो स्टेप से ही जाके आपको इसे रन करा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की दबानी है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। उसके बाद आपको अपना टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है, ये वाला आपका टास्क मैनेजर होता है, मैं दोबारा से कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ये हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो गया। उसके बाद इसे बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको इस सर्विसेज ऑप्शन पे आना है, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है सर्विसेज, ये वाला ऑप्शन है, इस पे आपको आना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज जो आपकी जो होती है वो सारी दिख जाती है। यहाँ पर आपको ई दाबना है, ई दाबने के बाद आपको ई एम ब्रिज फाइंड करना है, ये वाला ई एम ब्रिज है जिसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सर्विस स्टेटस स्टॉप्ड है। अब यहाँ पर हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट का, इस स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया और रनिंग हो गया। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और फिर से हम ईएम ब्रिज को ओपन करते हैं। अब हमने ईएम ब्रिज ओपन कर लिया, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो स्टेटस आ रही है वो आ रही है रनिंग। अब आपका ये ईएम ब्रिज काम करेगा, यानी कि आपका डिजिटल सिग्नेचर वर्क करने लग जाएगा। तो गाइज है ना ये कमाल की चीज, आप सिर्फ दो स्टेप में ही आपने ईएम ब्रिज को रन करा दिया। इसके लिए आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आपको अपना टास्क मैनेजर ओपन करना है और उसमें सर्विसेज में जाके ईएम ब्रिज को रन करा देना है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने ईएम ब्रिज को अगर स्टॉप है तो उसको रन करा सकते हैं बिल्कुल सिंपल स्टेप में। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है,
जो जो लोग ईएम ब्रिज से सिग्नेचर करते हैं उनके सामने इस तरीके की समस्या आती है, यानी कि एचआरएमएस में जब आप सिग्नेचर करते हो वहां पर ये वाली समस्या आती है, तो आप इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो आई होप गाइस अब आपको ये वाली प्रॉब्लम तो पक्का नहीं आने वाली है, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद भी अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कुछ एरर करके आ रहा है, पीकेआई सर्वर नॉट कनेक्टेड या नेम वाला कुछ इशू आता है, स्लॉट नॉट फाइंड, तो उसके लिए आपका जो डिजिटल सिग्नेचर का टोकन होता है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वहां से जाके आप अपना डिजिटल सिग्नेचर को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद वो वाली एरर बिल्कुल नहीं आएगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। गाइस टॉपिक भी यार थोड़ा सा सजेस्ट कर दिया करो, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उससे मुझे भी क्या होगा कि एक टॉपिक मिल जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक बेहतर वीडियो बनाकर आपको देने की। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।